हेलो दोस्तों, अभी मैं टीम देने वाला हूँ मिलान वर्सेस टोरिनो का जो मैच है, जो सेकंड मैच, बहुत ही फाड़ मैच है आज रात का प्रीमियर लीग का। दोनों ही टीम्स मतलब जीतना चाहेगी इस मैच को, अच्छा मैच है और जी जान लगा देगी दोनों ही टीम्स, स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड डू और डाई वाली सिचुएशन में है अभी। अगर वो मैच हारती हैं अब तो चैम्पियंस लीग का कोई चांस नहीं रहेगा। अभी मौका बन चुका है क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को बैन कर दिया गया है 2 साल के लिए, तो अब जो टॉप 5 में फिनिश करेगा वो क्वालिफाई करेगा, एक्सेप्ट मैनचेस्टर सिटी। तो टॉप 5 की रेस में बने रहने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी हर मैच जीतना है, वो पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकते। तो अच्छा मैच है, इसकी वीडियो डाल दिए कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट प्रीव्यू के साथ, वो जाके देख लो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? चैंपियंस लीग के सभी मैचेस की वीडियो डालूंगा कंप्लीट प्रीव्यू एनालिसिस के साथ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लास्ट तक देखो, वीडियो लाइक ज़रूर करना। वीडियो तो लाइक करके ही जाना, वीडियो लाइक नहीं करते यार तुम लोग, तो वीडियो अभी लाइक कर दो, डेफिनेटली पसंद आएगी वीडियो। मिलान की बात करूँ, दोनों ही टीम्स के लिए कोई इंजरी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, फिट है स्क्वाड, एक आधा प्लेयर इंजर्ड है, अंसाल्दी इंजर्ड है, टोरिनो में अच्छे प्लेयर हैं मिडफील्डर, वो इंजर्ड हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करो तो मिलान ने फॉर्म हिट किया है, लास्ट 5 में से 3 जीते हैं, एक ड्रॉ रहा है, एक हारी है। टोरिनो ने लास्ट 5 में से 4 मैच हारी है, एक जीती है। तो मिलान ने इन 5 मैचेस के दौरान इंटर के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, यूवेंटस के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, तो यस मिलान आज भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फॉर्म बरकरार रखें मिलान। हेड टू हेड की बात करूँ तो दोनों यहाँ, टोरिनो आगे है मिलान से, 2 मैच जीते हैं, 5 में से 1 जीता है मिलान ने, 2 मैचेस ड्रॉ रहे हैं। तो टोरिनो हारी नहीं है मिलान से 2016-17 के सीज़न के बाद अभी तक, तो ये बहुत लंबा टाइम है, 3-4 साल से अनबीटन है, अच्छा रिकॉर्ड है टोरिनो का अगेंस्ट मिलान। मिलान ने लास्ट 3 मैचेस ड्रॉ में फिनिश किए हैं सीरिया में अगेंस्ट टोरिनो। मिलान अनडिफिटेड हैं लास्ट 5 होम गेम्स में सीरिया में, सैन सीरो में जितने भी 5 मैच, जो 5 मैचेस हुए हैं अभी रिसेंट, जो 5 मैचेस हुए हैं उनमें अनबीटन है मिलान अभी के टाइम पे। 2.5 गोल्स, मतलब 3 गोल्स तो हुए ही हैं हर मैच में, टोरिनो के लास्ट जो 4 मैच थे उनमें 3 या 3 से ज़्यादा गोल हुए हैं। तो आज इस मैच में भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3-4 गोल्स तो होंगे ही इस मैच में भी। की प्लेयर्स एंटर एबिस लास्ट सीजन फ्रैंकफर्ट में था बुंडिस लिगा में, इस सीज़न लोन पे मिलान आया है, शुरू में इतना कुछ इसको फुटेज मिला नहीं था पर अब बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 5 गोल कर दिए हैं 6 मैचेस में अगेंस्ट, इसने इंटर स्कोर किया, अगेंस्ट यूवेंटस स्कोर किया, तो बिग टीम्स के अगेंस्ट स्कोर किया। स्टार्टिंग लाइनअप्स में जगह मिलने लगी है, पहले एज ए सब्सटीट्यूट खेलता था अब स्टार्टिंग लाइनअप्स में जगह मिलने लगी है। जलाटन इब्राहिमोविच इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब को, अगर ये चल गए तो अकेले गांड मार देंगे टोरिनो की, तो इनको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन के लिए, इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कैप्टन का, अच्छे ऑप्शन है सबसे। एंड्रे बेलोटी सबसे बड़ा खतरा है मिलान के लिए टोरिनो की तरफ से, एंड्रे बेलोटी टॉप स्कोरर हैं टोरिनो के और अच्छा प्लेयर है एकदम, बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी 8 गोल्स किए हैं इस सीज़न, इकलौता खतरा मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा खतरा मिलान के लिए यही है, ये चल जाता है तो मिलान को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थियो हर्नांडिस टॉप स्कोरर ऑफ मिलान एंड टॉप असिस्ट प्रोवाइडर, तो मैं भी ये देख के थोड़ा सा हैरान हो गया था कि ये क्या बकचोदी, डिफेंडर है बंदा और टॉप स्कोरर है टीम का, तो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं स्ट्राइकर, मतलब डिफेंडर आउटस्कोर कर रहा है स्ट्राइकर्स को, फॉरवर्ड्स को, तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में स्ट्राइकर मिलान के, पर अब नहीं लगता कि ज़्यादा दिन वो टॉप स्कोर रहेंगे, एंटर एवेज जलाटन इब्राहिमोविच दोनों जल्दी आउटस्कोर कर देंगे हर्नांडिस को। बात करते हैं टीम की तो देख लेते हैं पहले टीम, स्ट्राइकर सेक्शन में तीनों जो रेबेज इब्राहिमोविच और बेलोटी, ये कॉम्बिनेशन और ये बेसिक कॉम्बिनेशन है सभी को, आप सभी का कॉम्बिनेशन आपको यही मिलेगा स्मॉल लीग में, बेलोटी इब्राहिमोविच बेरेंगुएर अच्छे प्लेयर हैं, 4 गोल्स लगभग 4 गोल्स इस सीज़न है, असिस्ट एक आधा या 2 असिस्ट है इनके नाम,
अच्छा प्लेयर है बेरंगुएर, पिक कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्की है। रेबिस सेफ है, रेबिस तो सेफ ही है, रेबिस मस्त पिक रहेंगे। ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो बेरंगुएर को। मिडफील्ड की बात करूँ तो एस वर्डी, कैल हेनोग्लू, और यहाँ पे टीरिंकन अंसाल्डी इंजर्ड हैं। कैस्टिलेजो मिडफील्डर है, मिडफील्ड में खेलेंगे, कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। इस्माइल वेनेसर पासिस के पॉइंट्स तो दिलाई देंगे अच्छे अच्छे खासे, तो इनको पिक करो। इस्माइल वेनेसर थोड़ा यूनिक पिक हो जाएगी, ये थोड़ा सा हटके पिक है बेनासर, तो बेनासर को पिक करो। डिफेंस की बात करूँ तो थियो हर्नांडिस तो अच्छा मस्ट पिक प्लेयर है ये, तो थियो हर्नांडिस, एलडी सिल्वेस्ट्री, और यहाँ पे जो थर्ड डिफेंडर है कैलाब्रिया, यहाँ पे कैलाब्रिया को पिक करो, या यहाँ पे आप सिल्वेस्ट्री की जगह लैंको को पिक करो, क्योंकि क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, गोलकीपर को पिक नहीं कर पाओगे अगर, तो यहाँ पे सिल्वेस्ट्री को पिक कर लो यहाँ पे, या फिर आप रामग्नोली, या रामग्नोली नहीं, सिल्वेस्ट्री को ड्रॉप करना ही पड़ेगा, यहाँ पे पिक करो आप कैलाब्रिया, और यहाँ पे लैंको। गोलकीपर में सिरिगु, तो ये है स्मॉल लीग के लिए सेफ कॉम्बिनेशन। तो गोल्स तो दोनों तरफ होने वाले हैं, उम्मीद कम है कि क्लीन शीट रखे मिलान। टोरिनो और मिलान की सिचुएशन दोनों ही टीम्स की सेम है, दोनों स्ट्रगल कर रही है, दोनों की मतलब चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है दोनों टीम्स के लिए, तो सेम सी सिचुएशन है। लास्ट मैच हुआ था, टफ फाइट दी थी टोरिनो ने, लास्ट मैच जो हुआ था इनका शायद कोपा इटालिया का क्वार्टर फाइनल था, 4-2 से जीती थी मिलान, पर टफ फाइट दी थी। शुरू में स्कोर किया था, फर्स्ट स्कोर किया था टोरिनो ने 2, दो गोल स्कोर किए, फिर उसके बाद दो गोल मिलान ने स्कोर किए, ड्रॉ रहा, फिर एक्स्ट्रा टाइम में जीत गई मिलान, दो गोल स्कोर किए इब्राहिमोविच, या इब्राहिमोविच ने स्कोर किया था एक गोल, दूसरा पता नहीं किसने किया था, पर वो मैच जीत गई थी। टफ फाइट दी थी टोरिनो ने, तो एक्सपेक्ट करूंगा कि आज भी वैसा ही मैच हो, अच्छा मैच था वो भी। तो एंड्रे बेलोटी को वाइस कैप्टन बना सकते हो, बहुत टीम स्कोर करेगी इस मैच में, तो क्लीन शीट ले जाने कोई फ़ायदा नहीं है। सेफ जाना चाहते हो, अगर सेफ खेलना चाहते हो तो क्लीन शीट की टीम बना लो मिलान की, क्योंकि स्मॉल लीग में आपको ज़्यादातर वही प्लेयर्स मिलेंगे, वही क्लीन शीट लेके आएंगे लोग, तो वही एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन उसके साथ जा सकते हो, वही बेसिक कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको, कैल हेनोग्लू यहाँ पे चार डिफेंडर मिलान के, और वो कैप्टन इब्राहिमोविच, वाइस कैप्टन रेबिस, सेम कॉम्बिनेशन, सभी का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। थोड़ा सा यूनिक ट्राई कर सकते हो मिनी ग्रैंड लीग में, इस कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे, कर लो अभी भी सब्सक्राइब, और वीडियो तो लाइक कर ही दिया होगा तुमने, और नहीं किया तो क्या देख रहे हो, वीडियो लाइक करो। ग्रैंड लीग की बात करूँ तो ग्रैंड लीग के प्लेयर्स मैं बता दूँ, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो कैस्टिलेजो अच्छे ऑप्शन है, मिडफील्डर खेलते हैं, ज़्यादा गोल्स नाम है नहीं, चांसेस क्रिएट करते हैं, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, चांसेस क्रिएट करते हैं, गोल्स भी स्कोर कर सकते हैं, तो अच्छे प्लेयर हैं कैस्टिलेजो। यहाँ पे आप कैस्टिलेजो को पिक करो, और ल्यूकिच को भी पिक कर सकते हो, ल्यूकिच टोरिनो की तरफ से, ल्यूकिच रिंकन, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ मैं, रिंकन सही है वैसे ल्यूकिच से, तो स्मॉल लीग में तो रिंकन के साथ जाओ। तो धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी तुम लोगों को, तो लाइक कर ही दिया होगा अभी तक।